अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एजेंडा सी एस एस। मैं हूँ शक्लैन जमल और आज भी हम इंग्लिश एस्से के ऊपर डिस्कस करेंगे। काफ़ी दिनों से हम इंग्लिश एस्से के ही टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि सी एस एस 2023 में आए थे। उसकी एक जनरल वीडियो तो हमने बना ली थी, लेकिन एक एक करके अलग अलग टॉपिक को एड्रेस करना भी मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट था। और आई वुड लाइक टू से कि अब इस चैनल पे हम कोशिश करेंगे कि आइंदा से हम लिटरेरी एसेज या जो रिफ्लेक्टिव एसेज हैं उनको पकड़ के उनको थोड़ा सा स्क्रूटनाइज करें, उनके ऊपर थोड़ी से आर्गुमेंट्स बिल्ड करने की कोशिश करें या अपना नॉलेज अप्लाई करके कुछ उनकी डायमेंशंस डिस्कस करें। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि जो आने वाले इंग्लिश एसे के पेपर्स हैं वो इससे भी टफ होंगे। तो वी आर ट्राइंग टू ट्रांजिशन टूवर्ड्स मोर आर्गुमेंटेटिव और मोर यूपीएससी स्टाइल लिटरेरी एसेस, ताकि हमारी तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है जी, और आज के ऐसे पे आते हैं जी। पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। अगर आपने इंग्लिश ऐसे का पेपर देखा है तो आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टॉपिक्स। और ये काफ़ी सारे लोगों ने किया भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। ज़्यादातर लोगों ने मे बी वो किया है ऑनलाइन एजुकेशन वाला या फिर यूज़ ऑफ फोर्स वाला, बट दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी डूएबल और एक बड़ा अच्छा ऐसे बनाया जा सकता था। तो इसको स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग इट। वी हैव इसकी टाइप मैंने लिखी है जी आर्गुमेंटेटिव, कि आपने उसके आर्गुमेंट्स देने हैं कि जी लोग जो हैं वो क्या बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं टेक्नोलॉजी पे या नहीं। नाज़रीन, आपको पता है जी कल 14 फरवरी जो है गुजर चुका है, वैलेंटाइंस डे इज़ ऑफिशियली ओवर। ठीक है, तो वैलेंटाइंस डे पे भी जो जिन लोगों ने मनाया भी है या जिन लोगों ने नहीं भी मनाया, वो नोटिस करेंगे कि आप ऑलमोस्ट जो आपका वेकअप टाइम है, लाइक यू कीप योर सेल्फ अवेक फॉर 16-17 आवर्स अ डे, तो उसमें से ऑलमोस्ट आप 6-7 आवर्स जो है मोबाइल के साथ लगे होते हैं। मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, एक ही बात है। तो दिस इज़ हाउ मच पार्ट ऑफ आर डे, हाउ मच पार्ट ऑफ आर डेली लाइफ इज़ डेडिकेटेड टू टेक्नोलॉजी। हम हमारे जो सोशल मीडिया है, हमने दूसरों के साथ ताल्लुक रखना है, किसी से हमें काम पड़ गया, कोई बिजनेस डील करनी है, कोई चीज़ मैंने बेचनी है, कोई चीज़ मैंने खरीदनी है, कोई शिकायत दर्ज करवानी है, एवरी थिंग इज़ कनेक्टेड विद टेक्नोलॉजी। ठीक है, दिस इज़ द एक्सटेंट ऑफ आर डिपेंडेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ नाजरीन, कि 2010 में एक रिसर्च स्टडी की गई थी। उसमें यह था कि 200 स्टूडेंट्स थे, उनको 24 घंटे के लिए अनप्लग कर दिया गया था। ये सोशियोलॉजिकल स्टडी है, मैंने सोशियोलॉजी में भी पढ़ी थी। तो बात यह है कि इससे पहले भी इस तरह की स्टडीज हो चुकी हैं, लेकिन 2010 की जो स्टडी है उससे हमें ये फाइंडिंग्स मिलती हैं कि 24 आवर्स अनप्लग्ड, मीनिंग कि आप किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मोबाइल लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर किसी चीज़ का भी यूज़ नहीं कर सकते 24 घंटे के लिए। आप 200 लोग हैं इकट्ठे बैठे हैं, या मतलब एक खास ज्योग्राफी में आप उनसे बातें कर सकते हैं व्हाट्सएप, बट 24 घंटे के दौरान ही काफ़ी सारे लोगों ने जनाब सिम्टम्स जाहिर करना शुरू कर दी, एंगजाइटी की, प्रेशर की, दे फेल्ट लाइक दे डिड नॉट हैव एनी पर्सनैलिटी। उनको समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने करना क्या है, उन्होंने कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, किस बंदे से बात करनी है, क्या बात करनी है। छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, और सुनाए क्या हाल है, ठीक ठाक है, अच्छा आप मैरीलैंड से हैं, मैं मिनीसोटा से हूँ, ये ठीक है, इतनी तो हो गई। लेकिन जो बहुत डिटेल में बातें हैं या फिर थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ जो बात करनी है या फिर एक्सप्लोरिंग थिंग्स विद पीपल, दैट हैड बिकम नॉन एग्जिस्टेंट बिटवीन देम। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लोग बोर होना शुरू हो गए, लोगों को लगा कि हमारी कोई पर्सनैलिटी ही नहीं है, वी आर फॉरगॉटन, वी हैव फॉरगॉटन एज आर सेल्व। तो दिस इज़ द एक्सटेंट ऑफ आर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, इसी के बारे में हम डायमेंशन अब डिस्कस करते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल मैंने दे दी आपको, आपको अंदाज़ा हो जाए कि आप भी अपनी लाइफ के ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि कितना हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, कितना हम लैपटॉप वगैरह की स्क्रीनों के ऊपर, टिकटॉक, यूट्यूब वगैरह, गेमिंग, हर चीज़ को इस्तेमाल करते हुए बैठे रहते हैं। अच्छा, इस बारे में दो तीन रेफरेंसेज हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, इनके बातों में आपको अक्सर लगेगा। लाइक यूवाल नोवा हरारी हैं, उसने भी काफ़ी काम किया है जी, के डाटा इज़ द न्यू गोल्ड, और इसी तरह फ्यूचर इज़ डिजिटल व्हाट्सएवर। इसी तरह नोएम चॉम्स्की हैं, उसने फॉर्मेशन ऑफ नैरेटिव्स या फिर फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा है।
उसके अंदर ही फिर आपको भी ये पता चलता है कि जो आपका ओपिनियन है या जो चीज़ें आप बोल रहे हैं दे आर एक्चुअली फॉर्म्ड बाय द मीडिया यू कंज्यूम, और मीडिया जो है उसको सेंसर करके या फिर उसको फिल्टर्स के जरिए कंट्रोल किया जाता है। सो अल्टीमेटली वी आर डिपेंडेंट ऑन द टेक्नोलॉजी दैट इज इट सेल्फ बींग कंट्रोल्ड बाई अदर पीपल। ठीक है, सिमिलरली फरीद जाकरिया है जिन्होंने 10 लेसन्स फॉर पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड लिखी है, उन्होंने भी यही कहा है कि जी ऑल्दो के पेंडेमिक जो है वो बहुत बड़ा सेटबैक है बट इसकी वजह से टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा बूम मिला है और फ्यूचर में अगेन इसका ज़्यादा यूज़ होगा। जैसे जैसे बीमारियाँ ज़्यादा आएंगी तो हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा रिलाई करना पड़ेगा, डिस्टेंस लर्निंग ज़्यादा होगी। ठीक है, पॉसिबल डायमेंशंस भी आ जाते हैं जी। एक आप उसके साथ एग्री कर सकते हैं जी कि बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी पे हम बहुत ज़्यादा ओवर रिलायंट है, और इसमें आप लिखें जी के नेगेटिव्स और डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप इस स्टेटमेंट के साथ डिसएग्री भी कर सकते हैं, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इसके साथ डिसएग्री किया होगा, बट द पॉइंट इज के यू कैन डिसएग्री सेइंग दैट पीपल आर मेयरली प्रिपेयरिंग देमसेल्व फॉर अ डिजिटल फ्यूचर। ठीक है जी, तो अगर लोग डिजिटल फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट ओवर डिपेंडेंस, इट इज़ सिंपली अ चेंज ऑफ आर इंफ्रास्ट्रक्चर, अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ आर सोसाइटी, अ चेंज इन द सोशल रिलेशंस इन द ह्यूमन सोसाइटीज। सो दैट इज़ वाई पीपल आर जस्ट गेटिंग देमसेल्व प्रिपेयर फॉर द डिजिटल फ्यूचर, पीपल आर जस्ट कोजिंग अप विद टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, लेकिन इफ़ आई वर देयर मैंने जनाब उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स की तरफ ही जाना था, या फिर मैंने यही लिखना था कि जी हाँ जी हम बहुत ज़्यादा रिलायंट है टेक्नोलॉजी पे, उसकी रीज़न यही है कि मैं खुद भी समझता हूँ, मैं अभी से नहीं ऑलमोस्ट 7-8 साल से मैं ये समझता हूँ कि मैं सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरह से मैंने ट्राई की है, लाइक आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कीप एक्स्ट्रा गैजेट्स आउट अवे फ्रॉम माई सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल आईपैड वगैरह हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, 2000 और इस तरह की चीज़ें जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, तो कुछ चीज़ें मैं ब्लॉक कर सका हूँ, कुछ चीज़ें मैं नहीं कर सका, बट ऑल ऑफ दिस जस्ट टू से दैट ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इसे डिसएग्री भी कर सकते हैं। चले नेगेटिव इम्पैक्ट्स की तरफ चलते हैं कि अगर आप पहले डायमेंशन के साथ जाते हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स जब आपने लिखने हैं तो वो आप इंडिविजुअल और सोसाइटी के दरमियान भी लिख सकते हैं कि इंडिविजुअल पे कौन से असरात है और सोसाइटी पे। सिमिलरली इंडिविजुअल के ऊपर अगर आपने मज़ीद बाइफरकेट करना है तो वो आप साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों पर कर सकते हैं। ठीक है जी, और इसके अलावा एक और डायमेंशन है जी सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस के, इस रिलायंस की या फिर इस डिपेंडेंस की सोशल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती हैं ह्यूमन सोसाइटीज़ के लिए और वे फॉरवर्ड। नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी पे आते हैं जी, तो उसमें इंडिविजुअल पे भी हैं और सोसाइटी पे हैं, और ये तो पहली बाइफरकेशन है, उसके बाद इंडिविजुअल पे जो फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल है वो मैंने नीचे लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के ऊपर कौन से नेगेटिव इफेक्ट्स हैं जी ओवर डिपेंडेंस ऑफ ऑन टेक्नोलॉजी के। ठीक है जी, रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी, जब आप बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं जाहिर है आपने बैठ के टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, लैपटॉप वगैरह हो गया, नेटफ्लिक्स देखना है, मोबाइल पे गेम खेलनी है, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम होगी। सेकेंडली डिक्रीज्ड सोशल इंटरेक्शन, भाई हर बंदा जो है अपना कमरा बंद करके नेटफ्लिक्स देख रहा है, हर एक ने अपनी स्क्रीन लगाई हुई है, 4 स्क्रीनें शेयर हो रही हैं, 4 बच्चे एक ही घर में देख रहे हैं, तो आपका एक दूसरे के साथ सोशल इंटरेक्शन कम होगा। सिमिलरली अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया या फिर टेक्नोलॉजी कंज्यूम करते हैं तो यू गेट लेसर टाइम टू गो आउटसाइड द हाउस, टू गेट आउट ऑफ द हाउस। आप अगर अदरवाइज अगर आप पुराने ज़माने में होते तो आपने घर के काम शाम करके बेगम से बच्चों से बातचीत करके फिर अगेन आप 5:30-6 बजे बाहर निकल आते थे, बाहर लोगों के साथ बैठते हैं, आप अपने बताते हैं कि किसकी फसलें कितनी होगी व्हाटसएवर, बट अब ऐसा कोई सीन नहीं है, अब तो सोशल इंटरेक्शन जो है वो मज़ीद कम हो गया ड्यू टू टेक्नोलॉजी। अब आप भी ये नोटिस करते हैं कि जो आपके बड़े बूढ़े हैं, फॉर एग्जांपल मेरे अबू, मेरे चाचू, ताया, सारे जो है हर एक के पास अपना मोबाइल है और हर एक ने फेसबुक बनाया हुआ है, हर एक फेसबुक पे यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते हैं, वो चाहे प्रोपेगेंडा की हैं चाहे वो किसी जर्नलिस्ट की हैं, वो अलहदा कहानी है, बट द पॉइंट इज के वी आर ऑल रिलायंट ऑन सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, और हम उसका इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि हमारा अपना सोशल इंटरेक्शन कम हो गया। ठीक है, आप इस चीज़ को भी फील करते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल इस वक्त 30-35 साल के 35 साल के हैं तो आपकी ज़िंदगी में तो ये सारा फेज़ गुजर चुका है, जैसे मेरी ज़िंदगी में गुजरा है,
तो आपको याद होगा कि जब आप लोग ऑलमोस्ट 17-18 इयर्स के थे उस वक्त हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ें कम थी, तो उस वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलता था बाहर क्रिकेट वगैरह खेलने का भी, अपने अब्बू बहन भाइयों के साथ मिलके बैठ के आप लूडो शूडो भी खेलते थे, बातें भी करते थे, सारा कुछ था, काफ़ी टाइम था। लेकिन अब किसी के पास टाइम ही नहीं होता, हम हर वक्त जी मैंने ये सीज़न आज रात में कंप्लीट करना है, मैंने असाइनमेंट देनी है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करने हैं, ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवर करने हैं, व्हाट्स एवर, तो बहुत ज़्यादा है। इंक्रीज स्ट्रेस एंड एंगजाइटी के इंडिविजुअल के ऊपर जनाब इसका ये भी असर है कि उसको स्ट्रेस और एंगजाइटी ज़्यादा होती है। ज़ाहिर है जितना आप रेडिएशन के करीब रहेंगे, बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो वो आपके दिमाग के साथ, आपकी नर्व्स के साथ भी खेलता है। इसके अलावा जब आप एक ही चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट कर रहे होते हैं, यू स्टार्ट टू ओवर थिंक अबाउट इट, और अगर आप ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं या फिर आप अकेले बैठ के उसके ऊपर सोचते रहते हैं, तो यू बिकम विक्टिम ऑफ स्ट्रेस एंड एंगजाइटी। आप किसी और से बात नहीं कर रहे या सोशल इंट्रैक्शन आपका ऑलरेडी कम है, तो इस वजह से रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन्स के आप जब सोशल मीडिया या फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो आपकी अटेंशन स्पैन जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, ये कम हो जाता है। यही वजह है कि जो मॉन्क्स हैं या फिर जो चाइनीज या फिर जो योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं व्हाट्सएप, वो कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी डिटॉक्स करें, डिजिटल डिटॉक्स करें, ताकि आपकी लाइफ से ये चीज़ थोड़ी सी माइनस हो, तो आपको नज़र आए कि अटेंशन जो है या फिर फोकस जो है वो कितना ज़रूरी है। ठीक है, यही वजह है कि मॉक्स जो है दे आर नॉट अलाउड टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स। ठीक है, तो उनकी अटेंशन, उनका फोकस बहुत ज़बरदस्त होता है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप नोटिस करते हैं कि आप क्लास में जाते हैं, आप किसी वर्क स्पेस में बैठे हैं, तो अल्टीमेटली आप 5 मिनट बंदे की बात सुनेंगे, वो अपना इंट्रोडक्शन दे चुका है, फिर आप, अगर आपको थोड़ा सा भी लगा है कि ये स्लाइड मैंने पहले पढ़ी हुई है या मुझे इस कॉन्सेप्ट का पता है, यू विल अल्टीमेटली टेक योर मोबाइल आउट ऑफ योर पॉकेट एंड यू विल स्टार्ट स्क्रॉलिंग, अच्छा क्या आया ट्विटर पर, नया क्या आया। ठीक है, तो हमारा अटेंशन स्पैन भी कम हो गया। डिक्रीज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, कल्टिवेशन थेरी, कल्टिवेशन थेरी बेसिकली मास कम्युनिकेशन की है, जो कि कहती है कि जो हैवी यूजर्स होते हैं मीडिया के या टीवी के, दे आर मोर प्रोन टू थिंक नेगेटिवली। ठीक है जी, इसके अलावा एक तो ये चीज़ है, दूसरा है कि क्रिटिकल थिंकिंग आपकी कम हो जाती है, गिवन द फैक्ट कि जितना ज़्यादा आप ओपिनियंस या फिर जो पब्लिश्ड चीज़ें हैं, ड्रामास हैं या फिर टीवी शोज़ हैं, उनको देखते हैं, उन्हीं की तरह का आपका ओपिनियन बनना शुरू हो जाता है। तो अगर मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ, तो मैं ARY देखूंगा, और ARY या एक आधा कोई और चैनल है, वो हमेशा इमरान खान की तारीफ़ें करेंगे और उसके नैरेटिव को सपोर्ट करेंगे। तो एज सुन एज आई स्विच टू JioTV, मेरे अंदर थोड़ी सी रिजेंटमेंट पैदा हो जाएगी कि यार ये लोग जो है झूठ बोल रहे हैं मेरे से, ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये इमरान खान को बुरा कहते हैं, दिस इज़ अ फैक्ट, ये आप लोग भी फील करते होंगे। सो मेरी क्रिटिकल थिंकिंग इससे कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है कि मैं क्रिटिकली सोच ही नहीं रहा, मैं ये सोचता ही नहीं हूँ कि इमरान खान ने कुछ गलत किया है। ठीक है, इमरान खान की स्पेसिफिक एग्जांपल मैं टोटली ये नहीं कह रहा कि उसने गलत किया, अच्छा किया, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि जो आजकल हमारे आपस में या फिर हमारे घरों में चल रहा है, मैंने खुद ही ऑब्जर्व किया है, कुछ लोग ARY सिर्फ देखते हैं, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ JioTV देखते हैं, तो दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। चलें जी, इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी पे आ जाते हैं, इंडिविजुअल के फिजिकल और साइकोलॉजिकल हम बाद में देखेंगे। सोसाइटी पे जी, लेसर फेस टू फेस इंटरेक्शन एंड इरोजन ऑफ एम्पथी, जब आप एक दूसरे के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन आपका कम हो जाएगा, तो आपके अंदर जो दर्द दिल है या एहसास है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। यू विल बिकम रूथलेस कि भाई मेरा अपना इंटरेस्ट है, सिर्फ मैं अपने लिए काम करूंगा, लोगों की मुझे कोई परवाह ही नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता ये कम हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली टेक्नोलॉजी एंड द थ्रेड ऑफ श्रिंकिंग जॉब्स, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे ज़्यादा आएगी, तो आपकी जॉब्स जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा वो दुबई के मॉल की एक वीडियो चलती रहती है फेसबुक पे, कि एक क्लीनर है एंड ही इज़ जस्ट स्टेयरिंग एट एन ऑटोमेटिक क्लीनर, उसने उसके सामने वो क्लीनिंग कर रहा है फ्लोर की, एंड ही इज़ थिंकिंग कि भाई ये अगले 1-1.5 साल में मेरी तो जॉब खत्म होगी, मुझे कुछ जो है ना नया करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी जॉब्स जो हैं वो श्रिंक हो सकती हैं ये टेक्नोलॉजी की वजह से। डेटा थेफ्ट एंड मैस सर्वेलेंस, आपका जो डेटा है, जितना भी डेटा आप पुट करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में, कहीं भी, तो इट इज़ एक्सेसिबल फॉर द गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स, नॉट ऑल ऑफ देम, फॉर एग्जाम्पल चाइना है या कोई और थोड़ी सी
जो ऑटोक्रेटिक रिजीम्स आप कह सकते हैं, लाइक सऊदी अरेबिया हो सकता है, ईरान हो सकता है, नॉर्थ कोरिया है, इंडिया है, तो उनमें गवर्नमेंट हैज़ रिलेटिवली मोर एक्सेस टू द पीपल्स डेटा। और अगर आपका डेटा उनके पास है तो वो आपकी सर्वेलेंस कर सकते हैं कि ये बंदा कहाँ जा रहा है, ये किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में तो नहीं इन्वॉल्व जो कि हमारे खिलाफ है। दिस इज़ हाउ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वर्क्स। और इसी चीज़ का मेन खतरा है जो कि सोशोलॉजिस्ट और जो क्रिटिकल थ्योरी के थ्योरिस्ट हैं वो कहते हैं जी कि मैस सर्वेलेंस जो है ना वो बहुत बड़ा खतरा है। यूवाल नोवा हरारी ने भी यही कहा है, डिजिटल डिक्टेटरशिप्स का जो उसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। विक्टिमाइजेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ हैज़ बिकम ईजियर। तो अगर आपका डाटा जो है उनके पास रेडीली अवेलेबल है एंड यू आर ईजीली ट्रेसेबल, तो विक्टिमाइजेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ को भी बड़ी बात नहीं है। लोग आपको ट्रेस करके किसी को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि जिस जाए इसको मारें या ये बंदा हमें तंग कर रहा है, इसको जाके ज़रा धमकियाँ लगाएं, ठीक है जी। लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी आर एट द रिस्क ऑफ जॉबलेसनेस। अब ये बड़ा मजे का पॉइंट है, दिस इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद ग्लोबलाइजेशन, लेकिन ये टेक्नोलॉजी के साथ भी फिट होता है। गिवन द फैक्ट कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेशन आ रही है, तो ऊपर की जो जॉब्स हैं और काफ़ी सारी जॉब्स ऊपर से ऑटोमेशन की वजह से ख़त्म हो रही हैं, तो जो ऊपर वर्कर्स हैं वो नई स्किल्स सीख के नई जॉब्स की तरफ आना शुरू हो गए हैं। वो उन मशीनों को ऑपरेट कर रहे हैं, वो मशीनें डिज़ाइन कर रहे हैं, मशीनों के स्पेयर पार्ट्स बनाना शुरू कर दिए उन्होंने, या उनके लिए कोडिंग लिख रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन जो एक अनपढ़ बंदा है या जो बिल्कुल ले मैन है, उसकी तो बहुत फ्रिंज जॉब्स हैं, लाइक क्लीनिंग है, लाइक पार्किंग का कार है, व्हाट्स एवर। तो इस तरह की जॉब्स टेक्नोलॉजी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। तो जो नीचे वाले लोग हैं उनके पास ना तो एजुकेशन है और ना ही कोई और जॉब है, तो दे विल बी एट द रिस्क ऑफ जॉबलेसनेस, ठीक है जी। तो ये आपको नेगेटिव इफेक्ट्स नज़र आ सकते हैं जी, ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी के। सिमिलरली फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल, क्या क्या है, स्ट्रेस एंड एंगजाइटी ये ऑलमोस्ट सेम होंगे, रिड्यूस अटेंशन स्पैन, प्रोन टू कैच मोर डिजीजेस। आप जब बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो आपकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी मोर प्रोन टू डिजीजेस हो सकती है, इट बिकम्स स्लगिश। पुअर हेल्थ ड्यू टू लेस फिजिकल एक्टिविटी, लो एनर्जी प्लस फटीग। आप बैठे रहते हैं बहुत ज़्यादा देर, तो आपको फटीग भी महसूस होती है, आपको उठने को दिल ही नहीं करता, आप कहते हैं कि मैं इधर ही बैठा रहता हूँ, इधर ही बैठ के काम करते रहते हैं, ठीक है। सो जब तक आप अपनी बॉडी को हिलाएं जुलाएंगे नहीं, आपके फैट्स ब्रेक नहीं होते, या फिर आपकी जो फूड है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होती, तो यू विल हैव लेसर एनर्जी। तो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए भी आपको फिजिकल एक्टिविटी तो चाहिए। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, सोशल कॉन्सिक्वेंसेज हमने देख लिए, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज की तरफ आ जाते हैं। एक दो इसमें से कॉन्सिक्वेंसेज सोशल में भी मैंने लिखे हुए हैं, जैसे इरोजन ऑफ जॉब्स है, डेवलपिंग नेशंस एट अ लॉस, के डेवलपिंग नेशंस में जो लेवल ऑफ एजुकेशन है या लिटरेसी रेट वगैरह है वो कम है, इसी तरह उनके जो टेक्नोलॉजी है वो लैग कर रही है। यही वजह है कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का या कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ का ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। सो डेवलपिंग नेशन आर एट अ लॉस। इंक्रीज इन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। अब डेवलपिंग नेशंस एट अ लॉस इसलिए है कि अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो सारों के पास सिमिलर चीज़ें होती, भाई खेती बाड़ी करनी है आपने, वही कई है, वही रंबा व्हाट्स एवर, आपने उसी तरह काश्त करना है, तो ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी रहती। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है इट इज़ अ गेम चेंजर, कि ये थोड़ी सी भी अगर आपकी एडवांस है तो इट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो जो डेवलपिंग नेशंस है वो हमेशा टेक्नोलॉजी शेयरिंग की डिमांड करती हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं दे आर ऑलवेज रूटिंग फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और फियर्स कंपटीशन के बारे में, ठीक है जी। सो डेवलपिंग नेशंस जो है वो हमेशा ही उनका लॉस है, दे आर एट अ लॉस। इंक्रीज इन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, भाई जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से इकोनॉमिक डिस्पैरिटी में भी इंक्रीज आएगी, गिवन द फैक्ट कि जो निचले लेवल के लोग हैं दे विल नॉट बी एबल टू अर्न एज मच, और जो ऊपर वाले लेवल के लोग हैं दे विल गेट इवन हायर पे वेजेस या पे बिकॉज ऑफ द एडवांस स्किल्स दैट दे हैव एक्वायर्ड दैट दे यूज इन द फील्ड। सिमिलरली प्रमोशन ऑफ कमर्शलाइजेशन, मटीरियलिज्म एंड कमोडिफिकेशन, ये भी इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज है जी टेक्नोलॉजी के, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अभी मैं कहता हूँ कैमरे के सामने बैठ के कि आई वांट टू ईट सम जूसी बीफ बर्गर्स नियर मी, ठीक है, बट आई डोंट नो वेयर टू गो। तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टाइम यू विल सी कि अगर आप इस तरह की बात करते हैं, आई वॉन्ट टू गेट न्यू शूज़ या वो, अगर ये गूगल या फिर फेसबुक वगैरह उस चीज़ को समझता है, आपकी आवाज़ को, आपकी
बातों को समझ के रिकग्नाइज कर रहा है, तो आप देखेंगे कि एक आधे दिन में ही या कुछ घंटों में ही आपकी फेसबुक के ऊपर एड्स चलना शुरू हो जाएंगे, एड्स आना शुरू हो जाते हैं। सो उससे क्या होता है कि वो आपके पेन पॉइंट्स जो हैं या फिर आपके जो एस्पिरेशन हैं उनको टिकल कर रहे हैं कि जी हाँ जी हमें पता है कि आपने बर्गर खाना है, तो ये देखें ये एक ऐप है इससे आप बर्गर ऑर्डर कर सकते हैं। तो कमर्शलाइजेशन, कमोडिफिकेशन, मटेरियलिज्म सारा कुछ प्रमोट होता है टेक्नोलॉजी की वजह से। वे फॉरवर्ड क्या है जी इस चीज़ का कि हम लोग टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट तो हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम इसको कम्प्लीटली डिमोलिश कर दें सारे सिस्टम को और कह देंगे तो वापस स्टोन एज में चले जाएं। हम उधर से प्रोग्रेस करते हुए और आहिस्ता आहिस्ता आइडियाज़ को डेवलप करते हुए इधर तक आए हैं कि ये चीज़ें अच्छी हैं या ये हमारी इंसानी नस्ल को, इंसान को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। इनका सिर्फ एक्सटेंसिव यूज़ या एब्यूज़ जो है वो बुरा है। सो वे फॉरवर्ड क्या है? नंबर वन, डिजिटल डिटॉक्स, के आप जो डिजिटलाइजेशन या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं उनसे थोड़ा सा दूर हट जाएं। टेक अ ब्रेक ऑफ मे बी 7 days, 10 days, 2 days, अ मंथ, व्हाट्स एवर इट टेक्स। आप वो ब्रेक लें सिर्फ और सिर्फ के जी इस टाइम के अंदर मैं सिर्फ वाइटल चीज़ें यूज़ करूँगा, लाइक एक आधा मेरा फ़ोन है मैं कॉल करने के लिए यूज़ करूँगा, बाकी सोशल मीडिया नहीं यूज़ करूँगा, इंटरनेट नहीं यूज़ करूँगा, व्हाट्सएप और बाकी सारा कुछ जो है वो खुद ही संभाला हुआ है। ठीक है, मैं सिर्फ अपने घर वालों के साथ इंटरेक्शन करूँगा या फिर दोस्तों के साथ बाहर अंदर जाऊँगा, लेकिन मैंने सोशल मीडिया वगैरह यूज़ नहीं करना। सो दिस इज़ हाउ यू डू डिजिटल डिटॉक्स। सेकेंडली, बैलेंस्ड अप्रोच टूवर्ड्स द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। आप इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑल द वे बैक के आप बिल्कुल ही छोड़ दें या फिर बहुत ज़्यादा उसका यूज़ करना शुरू कर दें, उसको बैलेंस रखें ताकि आपकी वर्क एंड लाइफ, ताकि आपकी इंडिविजुअल और सोशल लाइफ जो है वो बैलेंस्ड रहे, उसमें कोई इम्बैलेंस ना आ जाए या फिर वो एक तरफ टिल्ट ना हो जाए जिसकी वजह से आप स्ट्रेस और एंगजाइटी का शिकार हो जाते हैं। टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म शुड प्रमोट आउटडोर एक्टिविटीज़। काफ़ी सारी एप्स हैं जो कि लाइक आप उनको घंटा डेढ़ यूज़ करते हैं, दो यूज़ करते हैं, तो उनके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई आप 1.5-2 घंटे से बैठे हुए हैं, तो बराए करम उठ के ज़रा बाहर जाएं, कोई दुनिया देखें, बाहर भी दुनिया अच्छी है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ ऑल द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या फिर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस कैन डू फॉर अस, के जनाब हर घंटे 1.5 बाद वार्निंग दे दी कि आपने इतनी देर आज का यूज़ कर लिया, तो जाएँ थोड़ा सा वॉक वगैरह करके आएँ, आपकी सेहत अच्छी रहे और लोगों से मिलें। देयर आर रियल पीपल इन योर लाइफ एज वेल, सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर दोस्त बनाने से कुछ नहीं होगा। रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स इन द मॉडरेशन, इन मॉडरेशन ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। पेरेंट्स और टीचर्स जो है वो आपका जो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है उसको मॉडरेट कर सकते हैं। भाई मैं जिनके घर में रहता हूँ, फर्ज कर मैं एक 14 साल या 15 साल लड़का हूँ और मैं अपने वालदैन के घर में रहता हूँ, सो दे कैन ऑलवेज अंडरग्राउंड मी कि तुमने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ किया है, चलो तुम 2 दिन के लिए अंडरग्राउंड हो, अब तुम बाहर नहीं निकल सकते। सिमिलरली दे कैन आस्क मी कि तुम्हारा मोबाइल 15 दिन के लिए बंद है, तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तुम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो। सो दिस इज़ हाउ पेरेंट्स एंड टीचर्स कैन एक्ट इन द मॉडरेशन ऑफ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ डेटा। जनाब जो अथॉरिटेटिव यूज़ है या ऑटोक्रेटिक यूज़ ऑफ डाटा है, प्राइवेसी जो डिस्टर्ब करते हैं, वो तभी होगा अगर वो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ डाटा है। इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड प्रमोट डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ डाटा। ये आप आईटी वगैरह के एसेज में भी पढ़ते हैं। लास्ट वी हैव बीफिंग अप सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, के जो हम टेक्नोलॉजीज और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, अगर चले जितने भी कर रहे हैं, एटलीस्ट उनकी सिक्योरिटी जो है उसको मेंटेन या इंश्योर किया जाए। ये ना हो कि मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ कर रहा हूँ और उस पर स्पैमिंग है या स्कैम की वजह से मेरा कोई 2-3 लाख, 5 लाख, 10 लाख करोड़ का नुकसान हो जाता है। सो दैट इज़ अनदर हेड एक फॉर मी। ठीक है जी, तो गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट एजेंसीज को चाहिए, इंटरनेशनल एजेंसीज को चाहिए कि जो स्कैमर्स हैं और जो फ्रॉड्स हैं उनको डिटेक्ट करें और बारी बारी उनको जेल में बंद करते जाएं, ताकि लोगों की जो सिक्योरिटी है, लोगों के डाटा की सिक्योरिटी है, लोगों की लाइफ की सिक्योरिटी है, वो यकीनी बनाई जा सके। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड ऑन द एसे ऑफ हाउ पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन
टेक्नोलॉजी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, काफ़ी सारी एग्जांपल्स मैंने आपको डेली लाइफ में से दी हैं, काफ़ी चीज़ें आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें अगर आप यहाँ मिसिंग है तो मुझे आप कमेंट्स में नीचे बता सकते हैं कि क्या क्या मिसिंग है। एंड इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और किसी अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दें, क्योंकि उसको भी इस एसे के बारे में पढ़ने में थोड़ी बहुत दिलचस्पी होगी। एंड आई एम अवेलेबल फॉर इवेल्यूएशन ऑफ एसे, सो इफ़ यू वॉन्ट टू गेट योर एसे इवेल्यूएटेड फ्रॉम मी, हेयर इज़ द व्हाट्सएप नंबर, यू कैन कॉन्टेक्ट मी हेयर एंड गेट योर एसे इवेल्यूएटेड फ्रॉम मी। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।